स्टूडेंट्स, हम अर्थमेटिक मेन चैप्टर कर चुके हैं, उसके बाद मीडियल मोड का स्टार्ट कर चुके हैं। हम पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें के अंदर क्या था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। मीडियन के बारे में बेटे हम करने का लग रहे हैं। मीडियन के मैंने क्या बताई थी, तीन सीरीज बताई थी। कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी एंड कंटिन्यू सीरीज थी। इंडिविजुअल सीरीज के हम कर चुके हैं। क्या बताया था मैंने, मीडियन क्या होता है, मीडियन का मीनिंग डेफिनेशन मैं करा चुकी हूँ। मीडियन होता क्या है, किसी भी श्रृंखला का जो एक्स श्रृंखला दी हुई है, एक्स मीन जो भी एक्स के आइटम्स दिए हुए हैं, उन आइटम्स को एक्स श्रृंखला के बीच का सेंटर का जो पॉइंट होता है, सेंटर का पॉइंट का मतलब ये नहीं होता बेटे कि भी हम किसी को उठा लेंगे। पहले हम जो हमारी सीक्वेंस दी होगी, जो हमारी एक्स दी होगी, सीरीज दी होगी, उसको क्या करेंगे बेटे, हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फिर उसके बीच का मीडियम पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, उसके ऊपर आप पार्ट उससे छोटा होना चाहिए और आप पार्ट क्या होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। ये मैं पीछे वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला, पहले मैंने तीन सीरीज बताई थी, कौन सी पहली थी, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत श्रृंखला। दूसरी क्या थी बेटा, खंडित श्रृंखला, या जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हमें डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड सीरीज क्या थी बेटे, अखंडित श्रृंखला, जिसको क्या बोलते हैं भैया, हमें कंटिन्यू सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यू सीरीज बोलते हैं। आज हम इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का मैंने क्या बताया था, सेम फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एन प्लस में वन, साइज ऑफ कैसे लिखते हैं इसका, साइज ऑफ एन प्लस में वन बाई टू एनथ आइटम्स, साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू एनथ आइटम्स, ये हमारा क्या होता है बेटे, में डी निकाल लिया फॉर्मूला होता है दोनों का, कम से कौन सी का, व्यक्तिगत का और खंडित का। उसके बाद क्या, कंटिन्यूस। लेकिन आज हम क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। व्यक्तिगत श्रृंखला में करा चुके, उसके मैंने दो मेथड भी कराए थे, मैंने दो क्वेश्चन भी भेजे थे मैंने उसके, और शायद उन्होंने सोल्व भी किए होंगे। आज सेकंड हमारी क्या, व्यक्ति क्या है बेटे, हमारी खंडित श्रृंखला मीडियन निकालने की। मैंने क्या आइडेंटिटी बताई थी व्यक्ति खंडित श्रृंखला की, कौन सी श्रृंखला बेटे हमारी, ये खंडित श्रृंखला है, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, मैं डिस्क्रीट सीरीज, श्रृंखला बेटे हमारी ये डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं, खंडित श्रृंखला। मैंने क्या पहचान बताई थी, इसके अंदर क्या होगा बेटे, x गिवन होगा और क्या गिवन होगा, f गिवन होगा। x में x का क्या होगा बेटे, इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर इक्वल गैप मिलेगा, या 1 2 3 4 या 2 4 6 8, ठीक है, 10, यानी कि इक्वल गैप मिलेगा। जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसके अंदर था, कोई गैप नहीं था उसके अंदर, इंडिविजुअलिटी थी उसके अंदर, 2 5 7 9 11 ऐसा कुछ नहीं था कि उसके अंदर इक्वल कोई गैप हो, कोई अपने आप में क्या थे बेटे, इंडिविजुअल थे, वो अपने आप में अकेले अकेले थी, ठीक है। तो ये इसके अंदर और क्या होगा, इसके अंदर एफ गिवन होगी, लेकिन व्यक्तिगत श्रृंखला में कोई एफ गिवन नहीं था, सिंपल क्या दे रखा था, एक्स गिवन था, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या स्टेटमेंट देगा, जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बताती हूँ मैं तुम्हें, क्या क्वेश्चन दिया इन्होंने, वही सेम है। क्या लगाएंगे, पहले हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। जैसे क्या दे दिया इसने, एक्स गिवन दे दिया, एक्स क्या दे दिया इसने, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद क्या देगा बेटे, एफ देगा, जो क्या देगा, जो एफ, एफ क्या दे दी, 2 3 5 2 3 8 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6, ये क्या दे दी बेटा इसकी, एफ गिवन है, इसकी आवर्ती गिवन है। एफ मीन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती होती है, जो गिवन है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन निकालना है बेटे, कौन सीरीज हमारे पास है, कंडीशन का, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसका फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, क्या होता है, साइज ऑफ वही सेम एन प्लस में वन बाई टू एनथ आइटम्स, एन प्लस वन बाई टू एनथ आइटम्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके अंदर तो क्या था बेटे, नंबर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ संख्या बढ़ा लेते, 1 2 3 4 था, ठीक है। जो बीच का हो गया एन प्लस वन बाई टू करके, एन मीन क्या था, टोटल संख्या थी, एन मीन क्या था बेटे, काउंटिंग थी, इसकी सीरियल नंबर था, इसकी 1 2 3 ऐसा था। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटे, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, आवृत्ति की बात हो रही है। तो आवृत्ति क्या होती है, एन इजिकल टू में क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ इजिकल टू एन,
अगर या एन या सिग्मा ले सकते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, पूरे सिग्मा का जोड़, पूरी एफ का जोड़। सिग्मा मतलब क्या होता है, पूरी जो एफ गिवन है, आवृत्तियाँ गिवन है, उनका पूरा क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। उसको इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो एन के बराबर होता है, समझ में आ गया बेटे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे एक क्लास के अंदर, नंबर ऑफ क्या कितनी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अगर हम आवर्ती मीन क्या होता है, मैंने कहा कि भी मान लो मैंने 20 नंबर का टेस्ट लिया है, मैंने कहा कि भी 4 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो कितना उन बच्चे ने आ सकता है, 2 बच्चों ने, तो आवर्ती क्या हो गया, हम ये थोड़ी लिखेंगे अलग अलग, तो सीधी क्या लिखेंगे हम, 4 नंबर वाले कितने बच्चे हो गए, 2 हो गए हैं, 10 नंबर कितने बच्चों लिए हैं, 3 हो गए हैं, ठीक है। तो 15 नंबर वाले बच्चे कितने हो गए हैं, मान लो बेटे 4 हो गए। फिर मैंने कहा 20 नंबर वाले बच्चे कितने, 1। तो बेटे वैसे टोटल संख्या कितनी है हमारे पता, स्टूडेंट्स की कितनी है टोटल क्लास में, 10 बच्चे हैं, लेकिन आवर्ती अकॉर्डिंग आवर्ती जोड़ना 5, 4, 9 और 1, 10। तो सिग्मा एफ आई या क्या होगी, इसकी आवर्ती होगी 4 नंबर वाले कितने बच्चे हो गए, 2। तो अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, सीधी 4 के आवर्ती कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी, समझ में आ गया बेटे। यही क्या होती है, एफ होती है, यही क्या होती है, आवर्ती होती है। जब हम सिग्मा करेंगे किसका, आवर्ती का, आवर्ती मीन एफ फ्रीक्वेंसी का, तो इसका भी जोड़ क्या क्या आएगा, 10 ही आएगा। नंबर स्टूडेंट्स कितने थे क्लास के अंदर, 10 ही थे, तो आवर्ती का सिग्मा क्या हो गया, 10 हो गया, समझ में आ बेटे, ठीक है। तो इक्वल टू एन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ होता है, कंफ्यूज मत होना। अब इसके अंदर क्या करते हैं बेटे, इसके अंदर एफ का क्या बनाना पड़ता है, हमें सी एफ बनाना पड़ता है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम संचय आवृत्ति बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, संचय आवृत्ति बोलते हैं। संचय आवृत्ति तुम्हें पता है, 10th में तुम्हारे आया था, अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सी एफ क्या होती है, संचय आवृत्ति होती है, एज ए हिंदी में संचय आवृत्ति, इंग्लिश में क्या होता होती है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है भाई। तो कैसे निकालते हैं, आगे एफ क्या, एफ का जोड़ दो, कितना हो गया, 2 हो गया। जो यहाँ आपका उसको अगले में जोड़ दो, जो यहाँ पर आया उसको अगले जोड़ दो, तो प्लस 3 कितना आ गया बेटे, 5, 5 आ गया, 5 प्लस 8 कितना हो गया है, 13 हो गया, 13 प्लस 10 कितना हो गया है, 23, 23 प्लस 12 कितना हो गया बेटे, 35 हो गया है, 35 प्लस में 16 कितना हो गया, 51 हो गया है, ठीक है। 51 प्लस 10 कितना हो गया, 61 हो गया है, 61 प्लस 8 कितना हो गया बेटे, 69, 69 प्लस में 6 कितना हो गया बेटे, 75, समझ में आ गया बेटे, कितना हो गया, 70। जब हम इसका जोड़ करेंगे सिग्मा एफ का, इसका जोड़ भी क्या आएगा, सिग्मा एफ, क्योंकि सारे का जोड़ ही तो है, आएगा बेटे, समझ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकालना, फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, एन प्लस 1, एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ, एन का मतलब क्या होता है बेटे, सिग्मा एफ होता है। तो साइज ऑफ एन मीन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आया हमारा, 75, 75 प्लस में 1 क्या आ गया, 2 हो गया, ठीक है। एन एथ आइटम्स, ठीक है। 75 प्लस 1 कितना हो गया है, 76 हो गया, बाई 2 हो गया, कितना आ गया, 38 थे आइटम्स आ गए। अब ध्यान दोगे, मैंने क्यों निकाला एन प्लस 1, क्यों निकाला है भाई, मैंने जी आपने सी एफ क्यू बनाया, सी एफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमने, क्या आएगा, 38 आइटम आ गया। अब 30 व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या था, जो ये यहाँ आएगा, 5 या 6 आता है यहाँ पर, तो हम उसको क्या डालेंगे, जो हमने सीरियल नंबर लिखा था 1, 2, 3 लिखा था, उसके अंदर 3 या 4 जो भी उसके एक्स के सामने है, वही हमारा एक्स मीडियन आया था। लेकिन बेटे यहाँ पर क्या गिवन है, एफ गिवन है, हमें पता जो आइटम्स आता वो क्या आता, बड़ा आता है, 38 आइटम्स आ गया। तो 38 आइटम जो एफ के अंदर नहीं होता, एफ के अंदर क्या होती है, जो आइटम्स दिए होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए हमने क्या करना पड़ता है, इसका सी ए बनाना पड़ता है। अब देखो बेटे, अब हमने पता कि 38 35 में तो है नहीं, 35 से जो बड़ा हो गया 38 से, लेकिन हमें पता कि 51 के अंदर क्या बेटे, 38 इंक्लूड है, कैसे इंक्लूड है, 35 से अबो वाली संख्या क्या है, क्या उन तक काउंट करेंगे हम, 35, 36, 37, 38, इसका मतलब 38 किस में होगा, 51 में ही आएगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा बेटे, 51 के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम किसको लेंगे, किसको इंडिकेट करेंगे, अब 51 के सामने एक्स में जाओ, 51 के सामने, जो 51 के सामने एफ जो हमारा एक्स दिया उसके सामने आ जाओ, ठीक है। उसके सामने क्या है, 7 है, क्योंकि मैंने आगे पीछे लिखा गया ना बेटे, इसलिए जगह थोड़ी होने के कारण, जब भी 30 जब क्या करेंगे, 51 के आगे क्या बेटे, 7 है, मिक्वल करके जाएगा, 2, 2, 3, 5, 4, 13, 5, 23, 6, 35, 7, 51, 51 के सामने क्या आ बेटे, 7 है। 38 किसके अंदर था आइटम्स, 51 के अंदर था। अब 51 से x में आ जाओ, क्या अब इसके सामने x है, इसके सामने, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटे, हमारा m क्या आ गया बेटे, 7, ये हमारा मीडियन, ये हमारा आंसर, समझ में आ गया बेटे, क्लियर।